नोएडा और ग्रेनो में प्रॉपर्टी खरीदना 15% तक महंगा हो जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की 23 अप्रैल और ग्रेनो प्राधिकरण की 21 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक में आवंटन दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बुधवार को 732 हो गई। इनमें से 27 का इलाज अस्पतालों में चल रहा है, कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन इनको बीच बीच में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ रहा है। ज्यादातर मरीजों की उम्र 50 से ज्यादा है। शहर में पानी का बिल ऑनलाइन जमा नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत आई हुई है, एक दो दिन में व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एसटीएफ और सूरजपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर अपने साथ शेयर कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी गहरी पैठ होने का झांसा देकर सरकारी ठेके और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना लाल कश्यप, दुकान का नाम माँ वैष्णो ग्लास एंड एल्युमिनियम। ग्लास और एल्युमिनियम का टोटल काम उचित रेट पे बनते हैं।